भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 6 अक्टूबर यानी कल इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रवास पर आएंगे और इंदौर, झाबुआ, जावरा और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह इंदौर में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ दशहरा मैदान में संवाद भी करेंगे। भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हवाई जहाज से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे इंदौर के राजबाड़ा पहुंचकर भाजपा के 3 दिवसीय जनसंपर्क महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। वे राजबाड़ा से 12 बजे रैली के रूप में चलकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां वे इंदौर संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए दशहरा मैदान में तैयारियों का दौर जारी है। नेमा के मुताबिक 15,000 कार्यकर्ता इस महासम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था भी दशहरा मैदान पर ही की गई है। कल इंदौर संभाग के 8,900 बूथ के लोग दशहरा मैदान पर एकत्रित होंगे और ये एक अनूठा कार्यक्रम है कि नीचे का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से संवाद करेगा, बातचीत करेगा। देश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुहास जी भगत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई नंद कुमार सिंह जी चौहान और इन सबके साथ विशेष आग्रह पर हमारे बीच में अपनी इंदौर की सांसद और लोकसभा की स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी आज शाम को आ जाएगी और कल दोपहर में वो वापस चली जाएगी। उनके अन्यत्र कार्यक्रम थे पर 2-3 कार्यक्रम उन्होंने इधर उधर करके और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को उन्होंने सुनिश्चित किया है, वो भी कल माँ अहिल्या की प्रतिमा के पास। आपको कार्यक्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जिला भाजपा की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है, जहां भाजपा अध्यक्ष नेमा 8,000 कार्यकर्ताओं के आने की बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से 15,000 कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ता और दोपहर में पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, आलू छोले, पुलाव, खोपरा पाक और नुक्ती सहित भजिए और सेव की व्यवस्था भी जुटाई गई है, जिसके लिए 450 से ज्यादा हलवाई और उनके कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद शाह इंदौर से हवाई जहाज द्वारा झाबुआ के लिए स्थान करेंगे और दोपहर 2 बजे कॉलेज ग्राउंड झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झाबुआ से निकलकर वे लगभग 4 बजे जावरा पहुंचेंगे और भगत सिंह कॉलेज ग्राउंड में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद जावरा से चलकर शाम 6 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां शहनाई गार्डन महानंदा नगर में उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे और इंदौर से विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की नजदीकी के चलते जहां एक और स्वादिष्ट व्यंजन और 56 पकवान कार्यकर्ताओं को मिलने का दौर शुरू हो गया है, वहीं कार्यकर्ताओं के हाथ में चांदी का कटोरा लग गया है, जिसे कार्यकर्ताओं के दोनों ही हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं।